जिससे पहले न ऐसा कोई केस देखा गया न उसके बाद अभी तक नजर आया है। सोक्रेट को यूनान में बेगुनाह जहर दे दिया गया था और तारीख यह बताती है कि सोक्रेट के गुजर जाने के एक अरसे दराज के बाद यूनान वालों ने एक मुकदमा कायम किया कि सोक्रेट को बिना वजह जहर दिया गया था, बेगुनाह जहर दिया गया था, हम उसकी मुखालिफत करते। आप बताइए मुकदमा क्या कायम हुआ कि जब न कातिल मौजूद था न मकबूल मौजूद था, मगर मुकदमा कायम किया गया सिर्फ इसलिए कि इस बात की तह में जमाना गया और लोगों ने पूछा तो उन यूनान वालों ने जवाब दिया कि हम पर बिला वजह एक तोहमत लगी कि तुम्हारे मुल्क में एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया, लिहाजा हम चाहते थे कि ये धब्बा हम पर से हट जाए, ये इल्जाम हम पर से हट जाए, लिहाजा हमने इस मुकदमे को कायम करके दुनिया पर ये साफ कर दिया कि हम सोक्रेट के हामी वाले लोग हैं, मुखालिफ वाले लोग हैं। लिहाजा अब आप पर भी वादे हो जाना चाहिए कि हम हर साल मुहर्रम मनाकर यही ऐलान करते हैं। हुसैन को भी कत्ल मुसलमानों ने किया था और हम भी मुसलमान हैं, लिहाजा हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम कातिल हुसैन वाले मुसलमान नहीं है बल्कि हुसैन के मौजिजा अरबी लफ्ज है,
मगर कुरान में मौजजा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको आयात और बयानात कह के खिताब किया गया, बयानात की शक्ल में। हजरत मौलाए कायनात अली इब्ने लेकिन आपके सामने जो बात अर्ज करनी है कि मौजूदा दुनिया में अंबिया के हाथों में अल्लाह ने सौंपे इख्तियारात को मौजूदा दिखा सकते हैं, अइम्मा के हाथों में इख्तियारात और इनके चाहने वालों के हाथों में भी करामात कि वो मौजूदा दिखा सकते हैं। दुनिया सवाल करती है कि जिनके हाथों में मौजूदे थे उनके गले में रस्सी भी बांधी गई, उन पर मदारिम भी ढाए गए, तब मौजूदे का रुबूत क्यों नहीं? आप और फरमाए ये सवाल उनके अपनी जगह पर है, लेकिन एतराजात दुनिया में हर रुख से हमारी जमात पर होते रहे, किसी न किसी मौके को देखकर एतराजात हमसे ही किए गए, इसलिए क्योंकि हम उनकी बातों के कायल ही नहीं थे जिन दलीलों के पीछे वो भाग रहे। आप देखें हम 1400 बरस से इमाम हुसैन का तस्किरा कर रहे हैं और ये तस्किरा अपने आप में एक मौजजा है। आप देखें कोई तस्किरा दुनिया का हो जो बाकी रहेगा, दुनिया की तरक्की किसी चीज को आपके आखिर में ना आए लेकिन दुनिया में एक चीज बना दी जाती है। साइंसदान जब बनाता है कोई चीज, मोबाइल फोन जब नहीं था कोई इसके बारे में बताता तो हमें एकदम मोजिजा नजर आता। जब कोई चीज आलम जहूर में आ जाती है तो उसके उसके जो प्रति हमारा नजरिया होता है वो बदल जाता है, उसको हम समझने लगते हैं कि हाँ ये मुमकिन था। दुनिया की मादी तरक्की शानदार करके कुछ भी बना सकते हैं, इससे इनकार नहीं करता, लोहे को पिघला सकते हैं और इतना गर्म कर सकते हैं कि अपने एतबार से उसे मोड़, लेकिन इतना नर्म इतना मुलायम नहीं कर सकते कि उसे हाथों पर मोम बना फरमाए, इतना मुलायम नहीं कर सकते, इतना नर्म नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हैं कि एक बीज जमीन में बो दे और ऐसा इंजेक्शन ऐसा केमिकल डाल दें कि वो एक रात में पौधा बन जाए, लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक सूखी लकड़ी को हरी हो जाने का इशारा करें, नहीं कर सकते, उनके हाथ में इतना अख्तियार नहीं है। और जिस इमाम हुसैन का हम तस्किरा करने जा रहे हैं इनकी पूरी जिंदगी मौजजा है, इनकी जिंदगी का हर रुख मौजजा है। एक सलवार जो पढ़े उसका जिक्र आप आसानी से नहीं कर पाते, तमाम अलर्ट जारी किए जाते हैं कि खतरा है, लड़ाई हो सकती है, ये उन साजिशों का नतीजा है जो इमाम हुसैन के जिक्र को दबाने के लिए की जा रही है। आपके सामने एक बात पेश करूं कि जब हम कोई दुनिया में इस्लाम के इतने फिरके मौजूद हैं, बहुत से फिरके हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो किसी फिरके से इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है जितना वहाबियत से पहुंच रहा है, जितना इस गिरोह से नुकसान पहुंच रहा है उतना किसी गिरोह किसी जमात से नहीं नुकसान पहुंच रहा है। इनका क्या है, अगर आप जाए माशाल्लाह तो रिकॉर्ड हो जाए के नाम फर्श गंपत श्री फरमाए और ये इंशाल्लाह तादाद बाकी रहेगी। और आप देखेंगे कब कोई मस्जिद नबवी गया या कब्र मतहर रसूल पर पहुंचा और उसने ताजीम और सर झुकाया तो फौरन एतराज हुआ कि शिर्क कर रहा है, ये मुशरिक है, इसने शिर्क किया है। आप देखें एक ताजीम होती है एक चीज और एक होता है सजदा करना, सजदा सिर्फ मखसूस है अल्लाह की ज़ात और ताज़ीम का ये रुख है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि ताज़ीम करो, एक दूसरे की ताज़ीम करो, अपने से बड़ों की ताज़ीम करो, लेकिन सजदा ताज़ीमी न करो, सजदा ताज़ीमी से रोक दिया, मना फरमा दिया कि सजदा ताज़ीमी ना करो। मगर इस बात से ये बात तो जाहिर हो गई कि सजदा भी ताज़ीमन किया जा सकता है, सजदा भी ताज़ीमी किया जा सकता है, वो मना कर दिया गया। इसे अब अगर कोई करता है तो वो गुनाहगार होगा, मुशरिक नहीं होगा। अगर
कोई करता है वो गुनहगार है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मुशरिक नहीं है क्योंकि वो सज्दाए ताज़ीमी बजाएगा। आप देखें हम पर सबसे ज्यादा इतराज होता है, आपकी बात मैं सही मान लूं, अगर इस पूरे मजमे में जो सबसे कम पढ़ा लिखा है शफनगर या कोई कमसिन बच्चा हो, आप उसे खड़ा करके पूछें कि तुम अलम की पूजा करते हो या ताज़ीम करते हो, इस ताज़ियत की इबादत करते हो या इज्जत करते हो या एहतराम करते हो, अगर वो कह दे कि हम इसकी इबादत करते हैं तो हम आपके इल्जाम को दुरुस्त मान लें, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कहता और कहता है हम इसकी ताज़ीम करते हैं तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। क्या आप इतने दिनों से बिला वजह गलत इल्जाम लगा रहे हैं जमात पर मोहम्मद आपने और एहतराम किया झुक गए और एहतराम किया आपने सजदा कर मगर मना किया गया सजदे से, लेकिन ये मरहले है ताज़ीम के जो किए जाते हैं। आप और फरमाए अगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम के पुतले को बनाया और मलाइका से इरशाद फरमाया कि जब मैं इस पुतले को तैयार कर लूं और इसमें एक मखसूस रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर जाए, तुम सब सजदे में गिर जाना, आप बताइए कि किस सजदे का हुक्म दिया जा रहा है? क्या माज़ल्लाह लाहूर बना रहा है? किस सजदे का? अगर ये सजदे ताज़ीमी नहीं है तो क्या अल्लाह किस सजदे का हुक्म दे रहा है कि तुम सब सजदे में गिर जाना? लेकिन सिवाय इबलीस सब ने सजदा किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया उसका अंजाम क्या हुआ? रुस्वा होकर निकाल दिया गया दरबार से, रुस्वा होकर के जलील करके दरबार से निकाला गया। ये शरीयत थी शैतान की जो आज आपने अपना शैतान के इतराजात थे, अल्लाह ने तो सजदा ताज़ीमी का हुक्म खुद दिया था। कुरान में जो तज़किरे ताज़ीम के सिलसिले में है उसमें हज़रत यूसुफ के बारे में जो सूरा नाज़िल हुआ, सूरा यूसुफ, उसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं, उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ रसूल याद करो वो वक्त, ऐ नबी याद करो वो वक्त जब यूसुफ ने ख्वाब देखा, यूसुफ ने ख्वाब देखा और हज़रत याकूब पैगम्बर से उनसे इरशाद फरमाया कि ऐ बाबा मैंने ख्वाब देखा है कि सूरज चाँद और सितारे मेरा सज्दा करते हैं, सूरज चांद और सितारे मेरा सजदा कर रहे हैं। ये बात हजरत यूसुफ कह रहे हैं अपने बाप हजरत याकूब से, जो पैगंबर वाकया कुरान में मौजूद है। अब हजरत याकूब ने पलट कर ये नहीं कहा कि कफारा अदा करो, क्या गलत बात कर रहे हैं, किसी से बयान न करना अगर तुम्हारे भाई ये सुनेंगे, चूंकि ये ख्वाब तुम्हारी अजमत और बुलंदी की दलील है लिहाजा तुमसे हसद करने लगे, जलने लगेंगे। अब आप देखें किस तरह से वाकया आपका पूरा सुना हुआ है और आप सब वाकिफ है, किस तरह से हजरत यूसुफ को कुएं में डाला गया, किस तरह से उन्हें निकाला, किस तरह से मुसाफिर आए, किस तरह से वो बाजार में गए और उनकी बोली लगाई जाने लगी, फरोख्त किए जाने लगे। अब बादशाह मिस्र भी उस खरीदारी में, उस ऑप्शन में आ गया। अब मैदान में एक तराजू नस्ब कर दी गई, हजरत यूसुफ को एक पल्ले में बैठा दिया गया और अब चूंकि बादशाह मिस्र मौजूद है बोली लगने में तो कीमत बढ़नी ही है, जाहिर है सब लोग अपनी औकात से बढ़ के बोलियां लगा रहे हैं। अब बादशाह मिस्र मौजूद है, उसने अपनी कीमतें लगाना शुरू की और तराजू का पल्ला शाही खजाने से भरता चला जा रहा था, मगर हजरत यूसुफ का पल्ला ऊपर नहीं हो रहा, बुलंद नहीं हो रहा, यहाँ तक कि तकरीबन खजाना खाली होने लगा। अब बादशाह ने आजीज आके इरशाद फरमाया, अब कहता क्या है कि यूसुफ तुम ही बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या हो सकती, तुम खुद बताओ कि ये पल्ला कैसे बुलंद हो तुम्हारा। तो हजरत यूसुफ फरमाते हैं कि ये खजाने तुम दुनिया भर के ले आके रख दो,
मगर मेरा पल्ला ऊपर नहीं हो सकता, कभी पल्ला ऊंचा नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरा पल्ला हल्का हो जाए तो अल्लाह का नाम या कुरान की कोई आयत लिखकर इस पर रख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया और जैसे ही वो पर्चा दूसरे पल्ले में रखा गया, हजरत यूसुफ का पल्ला बुलंद हो गया। आप देखें ये नबुव्वत जो थी वो जरो जवानात के नाम नहीं थी, अल्लाह के नाम के आगे अल्लाह की शान और आयत कुरानी के सामने सबूत हुई। अब इसीलिए आप गौर फरमाए कि यह कुरान की एक आयत थी कि जिसने एक नबी को हल्का साबित कर दिया अपने मुकाबले में। आप देखिए कुरान में 6666 आयत, ये सारी आयतें मौजूद हैं। अब आप समझ जाइए कि हम अंबिया से बेहतर और बुलंद अइमा को क्यों समझते, क्यों मानते हैं कि जब एक नबी कुरान की एक आयत के मुकाबले आए तो हल्के पड़ते हैं, लेकिन जब पूरा कुरान की 6666 आयतें हमारे अइम्मा के सामने आई तो पैगंबर ने दोनों के वजन को बराबर भी मौजूद है। जब तक आम मुसलमान नमाज ना अदा कर ले
जब तक उसका हज कबूल नहीं है, मुकम्मल नहीं है, आप गौर करें और बताएं कि सिर्फ जहां पर दीवारें उठा दी गईं वो जमीन लायक इबादत हो जाए, और जिस जमीन पर हुसैन इब्न अली काबे की बुनियादों को बचा दे वहां करते हैं तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। इतने दुम्बे जिबा हो रहे हैं, आप और भी रास्ते बता सकते हैं कि इस तरह से इसे किया जाए तो इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। पैसों को गरीब-गुरबा में तकसीम किया जाए, इनका बोझ यही हिंदुस्तान में काट के जाया जाए, वहां पर और तरीके भी हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह को बिल्कुल नहीं मंजूर कि आप कुछ अपनी अकल का इस्तेमाल करें, बल्कि उसने जो समझा वो हुक्म दिया, आप जब तक वही करेंगे वही है नहीं मान लो, आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शान है। आप देखिए हजरत इस्माइल की कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम पेश करने गए, अभी आज 7 मुहर्रम में एक महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ है बकरी, आप सबने कुर्बानी की है और आप सब वाकिफ हैं कि हजरत इब्राहिम ने जब पट्टी बांधी आंखों पर तो समझ करके इस्माइल पर छुरी चलाने जा रहे हैं, ये समझ रहे हैं इस्माइल पर छुरी चलाएंगे। आप कुर्बानी करते हैं तो जो बकरा होता है या जो दुम्बा होता है वो आवाज निकालता है कि नहीं निकालता, आवाज निकालता है, हाथ पैर चलाता है कि नहीं चलाता। सिर्फ आंख पर पट्टी बांधी हुई है हजरत इब्राहिम ने, मगर फिर भी एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पर इस्माइल हटा दिए गए, दुम्बा जिब्रील रख के चले। यानी उस दुम्बे ने न तो आवाज निकाली न तो हाथ पैर चलाया। अगर हाथ पैर चलाता तो नबी से फौरन जान जाते कि इस्माइल नहीं है, आवाज निकालता तो फौरन जान जाते कि इस्माइल नहीं है। यानी कुछ न किया, मंजिले सब्र में रहा, मंजिले सब्र में रहा, अल्लाह को उसके सब की अदा इतनी भागी तो उसने ऐलान कर दिया कि अब यही दुम्बा काबिल एहतराम नहीं है, सुबह कयामत तक जितने दुम्बे कुर्बान किए जाते रहेंगे सब काबिल एहतराम है। आप कोई बकरा खरीदे, जैसे ही आपने कुर्बानी की नियत से खरीदा मुअज्जिज हो गया, मुहतरम हो गया आप उसका एहतराम करिए, आपने कुर्बानी के लिए खरीदा है। आप देखें यहाँ पर आपके सामने जो रुख पेश करना चाहता हूँ, ये वो दुम्बा जिसने हजरत इस्माइल की जगह आपने कुर्बानी पेश की, कितनी देर मंजिले सब्र में रहा हो, कितनी देर मंजिले सब्र, थोड़ी देर, उतनी देर जितनी देर छुरी चली उतनी देर तो खामोश रहा, हाथ पैर नहीं चलाया, कितनी देर, थोड़े वक्फे के लिए, थोड़े वक्फे के लिए सब्र करना अल्लाह को इतना पसंद आ गया। आप देखें एक तरफ के 3 सेकंड का सब्र है दुम्बे का, और एक तरफ आपके इमाम हुसैन का 3 रोज का सब्र है। जो ज्यादा देर मंजिले सब्र रहा, सुबह से इमाम हुसैन को हर लाशे पर ले जा रहा है, सुबह से हर लाशे पर ले जा रहा है, इमाम के साथ भूखा भी है प्यासा भी है, अल्लाह को क्या ये अदा पसंद नहीं आ रही कि वो अपनी कुर्बानी पेश कर रहा है। ये अस्त ज्यादा बाजमत है उस एतबार से कि अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, इसने ज्यादा देर तक सब किया है, ये शान है। और आप चूंकि करबला का जिक्र है और सुबह से मजलिसें कर रहे हैं, ये मजलिस मखसूस है हजरत अब्बास आलमदार के नाम, जिन्होंने करबला में कुर्बानी पेश की, इनका बचपन से वक्त, इनकी तख्लीक ही इसी वजह से हुई थी कि इमाम हुसैन की नुसरत करेंगे। जो तमन्ना है अली इब्न अबी तालिब, हजरत अब्बास की शान ये है कि सबका सहारा है, सबका सहारा है। अभी आपने इससे पहले की मजलिस में सुना, जब सुखड़ी गई पानी लाने, पानी ले आई शबे आशूर, उस वक्त की बात है कि हजरत अब्बास खेमे में मौजूद है, वो उस टुकड़ी में नहीं गए, वो मौजूद है हजरत उम्मे लैला, जिन्होंने अभी तक इससे पहले हजरत अब्बास से कभी गुफ्तगू की हो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कभी बात की थी कि नहीं की थी, लेकिन जब उस टुकड़ी के वापस आने में ताखीर हो गई, देर हो गई तो हजरत अब्बास के खेमे में आए, और हजरत अब्बास से इशारा फरमाती है कि देखो मेरा बच्चा अली अकबर जो टुकड़ी और टुकड़ी के लौटने में बटालियन के लौटने में वक्त ज्यादा लग रहा है, ऐ अब्बास मैं तुमसे यूं ही नहीं बोलती आज, मगर तुम्हारे करीब आई हूँ और चाहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे को जरा भी चोट लगी तो अब्बास मैं तुमसे सवाल करूँ। ये हजरत अब्बास की शान की जो सब रहा है, हजरत उम्मे लैला इन्हें अपना सहारा तस्लीम कर देंगे, तब मजबूर होकर हजरत अब्बास के पास आए।
आप जानते हैं हजरत जैनब जिनको नाश है हजरत अब्बास की हजरत उम्मे कुलथुम शबे आशूर गिरिया पर मारे रहते जब यह आवाज हजरत अब्बास ने सुनी उस खेमे के करीब गए और पूछा शहजादी आप क्यों गिरिया कर रहे फरमाती है कि सबके पास कोई ना कोई फिदिया है सबके पास कोई ना कोई फिदिया है जैनब और मोहम्मद को कुर्बान फरमा कासिम को कुर्बान करेंगी लैला अकबर को कुर्बान करेंगी लेकिन मेरे दामन में कुछ नहीं मैं किसे कुर्बान करूं अब हजरत अब्बास ने फरमाया शहजादी आप जरा भी दिल छोटा न करें मैं आपकी तरफ से आपका फिदिया बन के जाऊंगा हजरत कुलथुम का चेहरा सुर्ख हो गया ये शान हजरत अब्बास सबका सहारा करबला में बने हुए ये अलमदार लश्कर नहीं है पूरे अहले हरम का सहारा और ढारस हजरत अब्बास की जात हजरत सकीना जो हर बार आती थी तो किसी और से सवाल आप क्या और बता सिर्फ हजरत अब्बास से चाचा क्या आपको मेरे नीले नीले होठ नजर क्या आपको मेरे पपाए हुए होठ नजर मेरे लिए पानी न लाएंगे ये वक्त है हजरत अब्बास जब मुक्सर होने के लिए मेरे बाबा ने मुझे करीब बुलाया और मेरे बाजू का बोसा दिया मैंने पूछा बाबा क्या वजह है इन बोसों की क्या वजह है उन्होंने इरशाद फरमाया था कि एक दिन दीन के खातिर इन्हीं बाजुओं में रसम तब मेरा बचपन था मैं समझ न सकती थी कि जिसके 18 भाई हो ये बाजुओं में कौन रसम देगा लेकिन ये अब्बास तुम्हारी रुखसत से मुझे यकीन हो गया कि आप ज़ैनब के बाजुओं में कोई नहीं रोक सकता अब तो वक्त आ गया इमाम हुसैन की खिदमत में हजरत अब्बास हाजिर हुए और फरमाते हैं आका आप मुझे इतने जिहाद दे दीजिए सीने में तंगी कर दी अब मुझे मरने की इजाजत देती हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं बात तो मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत और देखो अब्बास अहले हरम जो खेमे में है वो बाहर के हालात से वाकिफ नहीं वो जब तक तुम्हारे दोस्त पर अलग सजा हुआ देख रहे हैं उन्हें लगता है कि लश्कर महफूज है तुम सलामत हो अलमदार सलामत है हजरत अब्बास से बर्दाश्त न हुआ कहते हैं आका आप मुझे भी वही अलमदारी के लिए भेज दीजिए समझ गए कि ये भाई रोके से रुकने वाला नहीं इशारा फरमाया कि अब्बास जाते हो तो जंग करने न जाओ पानी की कुछ सभी बच्चों के लिए पानी का इस्तेमाल करो हजरत अब्बास ने अपनी तलवार कदमों में डाल दी ऐसा मुजाहिद की दहशत और था कि अभी अब्बास इतने अली का आना अपने लम्हा भर नदी और तेब को अपने आका हुसैन के कदमों में डाला यही पर इशारा फरमाते हैं शोरा कि आबे शोरे इश्क से जिसने वजू किया सच्चा दए तसव्वुरे इरफा बिछा दिया जिसने रजाए शाह को काबा बना दिया जिसने इताअतों की जबी जगमगा दिया फिदिया हुआ जो खाहरे मुस्तर की सिंध से चूमी जबी खलील ले आकर ये शान है हजरत अब्बास घोड़े पर सवार एक मतलब ऐलान किया है दुश्मनों ऐ दुश्मनों इस नदी से इस नहर से नजीस जानवर तक पानी पी रहे हैं क्या तुम्हें ये बर्दाश्त है कि आले रसूल प्यासी रहे उधर से जवाब हुआ कि हम पानी हरगिज न देंगे जब तक वो बैत नहीं करते अब्बास ने इस बहादुरी से जंग की लाखों हजारों लाशें बिच गए हजरत अब्बास ने नहर पर कब्जा किया सूखी हुई मश्क को भरा और वापस चलते आप देखिए हजरत अब्बास की ताकत से दुश्मन भी वापस हजरत अब्बास के रहते हुए और जिंदगी में किसी में ताकत नहीं जो मश्क सकीना पर निशाना लगाते दोनों हाथ सलामत है हाथों में तलवार भी नहीं है शायर कहता है मोहब्बत की है ना मौजे गजब ढाती तो क्या हो जबीने वादे हक पर शिकन आती तो क्या हो इसी नुक्ते पर अक्सर करबला भी सोचती होगी अगर शानों के होते मस्जिद जाती तो क्या हो
हिफाजत कर रहे हैं, आप मुलाहिजा फरमाएं कि नसीम अमरोज के एक बंद में कैसे हैं, कि किस तरह से अब्बास इब्ने अली मस्क की हिफाजत कर रहे हैं। फरमाते हैं कभी दिल पर, कभी तीरों को जिगर पर रोको, कभी सर पर, कभी पेशानी के ऊपर रोका, और सर पे मस्क आई तो पुतली की सिर्फ परचम खेमे की तरफ बढ़ रहा है, उधर सकीना नन्हे नन्हे बच्चों को लिए